Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well. So आज का जो हमारा वीडियो है वो एक कंटिन्यूएशन वीडियो है ऑफ द परकोलेशन. ठीक है, जो फर्स्ट वीडियो था, फर्स्ट पार्ट था परकोलेशन का, उसके अंदर हमने देखा था कि जो परकोलेशन है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, फिजिकल फोर्सेस, रिक्वायरमेंट्स एंड परकोलेटर के बारे में, जो एक पूरा मशीन है उसके बारे में हमने जानकारी ली थी. अब हम देखेंगे कि ये जो परकोलेशन है उसकी प्रोसीजर क्या होती है, उसकी प्रोसेस क्या होती है. ठीक है, और उसी के साथ साथ हम देखेंगे कि हम इसका पोटेंटाइजेशन किस तरीके से करते हैं. सो क्या हमको बनाना है, हमको मदर टीचर बनाना है. ठीक है, ये क्या है, ये एक परकोलेशन मेथड है जो जिसको कि हम क्या कहते हैं, न्यू मेथड कहते हैं. ओके, ओल्ड मेथड जो थी उसके 9 क्लासेस थे जो कि मैंने पहले ही वीडियो बनाकर रखे हुए हैं. ओके, सो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये जो प्रोसीजर है उसको हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया. ओके, तो पहला पार्ट क्या है, प्रिपरेशन ऑफ द परकोलेटर, मतलब कि ये जो पूरा हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि ये जो एक पूरी मशीन है उसको एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना पड़ता है. ठीक है, रिसीवर को रबर ट्यूब से, परकोलेटर को स्टैंड के अंदर रखना पड़ता है, ये सारी चीज होती है. दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ द ड्रग सब्सटेंस. ठीक है, ड्रग सब्सटेंस हम ऐसे ही नहीं डाल देते इसके अंदर, जो कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, जो लास्ट वीडियो हमारा था, कि इसमें जो कोई भी ड्रग सब्सटेंस होता है, भले ही उसका पल्प निकलता हो, भले ही वो फ्रेश हो ना हो, लेकिन हमें उसका पाउडर बनाना है. तो हम वो ड्रग सब्सटेंस को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, और लास्ट में आता है प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर, जो कि एक्चुअल प्रोसेस है मदर टिंचर बनाने की. ओके, सो सबसे पहले देखेंगे कि परकोलेटर को हम ये प्रोसेस के लिए कैसे तैयार करते हैं. तो उसके अंदर क्या है, इसके अंदर 2 कंडीशंस हैं. एक तो कि आपका परकोलेटर जो है वो स्मॉल है, छोटा सा है, और आपके परकोलेटर के अंदर कोई कॉक नहीं है. दूसरी कंडीशन ये हो जाती है कि आपके पास बड़ा सा परकोलेटर है. अगर आप कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाते हो तो वहां पर देखोगे कि बहुत बड़े बड़े परकोलेटर्स होते हैं, तो उसके अंदर किस तरीके से प्रिपेयर करना है, और जो छोटे वाले होते हैं उनको किस तरीके से प्रिपेयर करना है. तो इफ नो कॉक इज अवेलेबल और इन केस ऑफ द स्मॉल अपरेटस और द स्मॉल परकोलेटर्स, हम क्या करेंगे, एक छोटा सा मसलिन क्लॉथ लेंगे, उसको अच्छे से हम एक तो दबा दबा कर उसको फिट करेंगे, कहाँ पर, ये नेक का जो एरिया है वहां पर, जिससे कि हम कोई भी चीज डाले तो वो परकोलेटर प्रॉपर में से निकल ना जाए. ठीक है, इसलिए हम मसलिन क्लॉथ डालेंगे बिकॉज कि वहां पर कॉक नहीं है. राइट, अब जो लार्ज अपरेटस होता है, बड़े वाले परकोलेटर्स होते हैं, उनमें हम क्या करेंगे कि प्लेस द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द स्टॉप कॉक. ठीक है, ये जो स्टॉप कॉक बड़ा सा आपको दिख रहा है, यहाँ पर उसका हैंडल है, तो अच्छा, अच्छी क्वालिटी वाला स्टॉप कॉक आपको इसके साथ ज्वाइन करना है. ठीक है, अब हमें बनाना है एक टो. ठीक है, आपको कभी कभी जो ये टो है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है शॉर्ट नोट के अंदर, तो आपको एक तो बताना है कि ये टो होता क्या है और उसको हम बनाते कैसे हैं. तो ये टो क्या होता है कि जब हमने ड्रग सब्सटेंस नहीं डाला उससे पहले हमें करीब करीब 1/4 तक का जो ये परकोलेटर है उसको भरना रहता है. उसको हम किससे भरते हैं, सैंड से भरते हैं. ठीक है, जो हमारी नॉर्मल मिट्टी तो नहीं कह सकते, आई डोंट नो उसको हिंदी में क्या कहते हैं, बट सैंड से हमको उसे भरना रहता है. ठीक है, तो उसके लिए हमें अलग अलग साइजेस की सैंड लेनी होती है. ओके, तो उसी को हम कहते हैं टो. तो टो को बनाएंगे क्या, सबसे पहले तो इसको कहाँ पर लगाएंगे, इसको हम कहाँ पर लगाएंगे कि प्लग ऑफ द ऑब्जर्वेंट कॉटन. ठीक है, यहाँ पर जो हमने मसलिन क्लॉथ वगैरह लगाया था उसी के ऊपर हम डायरेक्ट ये डालना शुरू कर देंगे. तो उसके अंदर 3 टाइप के हमें सैंड लेनी है. एक तो है कोरस सैंड, 1/4 डिग्री तक की थिक होनी चाहिए, जो कि मिनिमम थिकनेस कहते हैं हम उसको. दूसरी होती है मीडियम थिकनेस वाली,
हाफ हाफ लेंगे हम, जितनी टोटल है उसमें से हाफ मीडियम थिकनेस वाली सैंड लेंगे, और जो बाकी का एरिया रह गया, बिकॉज कि हमें इसको यहाँ तक भरना है, तो जो बाकी का एरिया लाइकवाइज कि इतना एरिया रह जाता है, तो उन सारे के अंदर हम मैक्सिमम थिकनेस वाली सैंड डालेंगे, मतलब कि जो बड़े बड़े उसके कण होते हैं वैसी सैंड डालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन गया क्या, टो। और हमें इसको कहाँ पर डालना है, नेक के जस्ट ऊपर, राइट। तो सपोज कि यहाँ तक का हमारा पूरा टो भर जाता है। अब आता है प्रिपरेशन ऑफ द ड्रग सब्सटेंस। तो हम ड्रग सब्सटेंस किस तरीके से बनाएंगे, तो उसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो आपका ड्रग सब्सटेंस जो है वो ड्राई और हार्ड है, दूसरा है कि अगर वो फ्रेश है और उसके अंदर से पल्प निकल रहा है। ठीक है, तो जो ड्राई एंड हार्ड है उसको तो हम अच्छे से मोटर पिस्टल में पीस करके उसको ड्राई पाउडर बना देंगे, सॉरी फाइन पाउडर बना देंगे। दूसरा है कि अगर फ्रेश है आपका ड्रग सब्सटेंस, तो उसको क्या करेंगे, रिड्यूस टू फाइन पल्प, अच्छे से मोटर पिस्टल में उसको पीसेंगे तो क्या बन जाएगा, एक पल्प बन जाएगा। दूसरा आएगा कि ड्रग सब्सटेंस मॉइस्ट विद द मेनस्ट्रम मीन्स के व्हीकल इन द मोटर एंड पिस्टल। ठीक है, पल्प बनाने के लिए हमने पहले भी ओल्ड मेथड के अंदर देखा था कि जिनके अंदर बहुत ज्यादा जूस नहीं होते, तो हम उनके अंदर थोड़ा सा अल्कोहल डालते हैं और उसका पल्प बनाते हैं। ठीक है, हमारा पल्प बन गया। अब हमने क्या करना है कि इस पल्प को अच्छे से हमने एक क्लोथ के अंदर प्रेस कर करके उसका जूस निकालना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि जूस निकालना है हमें इस पल्प में से। सेकेंड थिंग के रेसिड्यूअल पल्प, अब जो बाकी रह गया है हमारे पास पल्प, उसको अगेन हम सेम अमाउंट ऑफ ग्रीन ग्रास के साथ मिक्स करेंगे और अगेन उसका जूस निकालेंगे। ठीक है, तो अब ये सारा जूस हम क्या करेंगे, रिसीवर के अंदर डाल देंगे, सॉरी रिसीवर क्या, जो हमने सेंड का जो बनाया था उसके अंदर डाल देंगे, टो बनाया था उसके ऊपर डाल देंगे, एंड अलाउ टू मिक्स विद द फ्लूइड। ठीक है, उसके बाद क्या है, फाइनेस्ट ऑफ द पाउडर ड्राई ड्रग सब्सटेंसेस। ठीक है, अब हमें जो ये स्टैंडर्ड सारे प्रिपरेशंस होते हैं लाइकवाइज की, हर एक जो ड्रग सब्सटेंस है उसके लिए हमें अलग अलग टाइप के फाइननेस देखनी होती है उसकी, जो कि मटेरियल जो कि फार्माकोपिया में दिया हुआ होता है। तो हमें ये भी एग्जाम में जो आपको याद रहता है तो लिख लेना कि कितना कितने मतलब कि कितनी सीव में से वो निकल रहा है, कितने होल की सीव में से वो निकल रहा है, छन्नी में से उसके कण निकल रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी फाइननेस कितनी है। लाइकवाइज की बहुत ज्यादा फाइन है अगर कोई ड्रग सब्सटेंस, तो उसको हम क्या कहते हैं, 80 80 नंबर देते हैं उसको, बिकॉज की 80 नंबर की जो सीव है, 80 नंबर की जो छन्नी है, उसके अंदर से उसके कण निकल रहे हैं। सेकेंड थिंग है फाइन, उसको हमने 60 नंबर दिया है। सेकेंड है मॉडरेट कोरस पाउडर, जो कि 40 नंबर का होता है, एंड कोरस पाउडर जो कि 20 नंबर का होता है, एकदम जो थोड़े से बड़े वाले कण होते हैं उनका। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रिपरेशन ऑफ द ड्रग सब्सटेंस। सेकेंड थिंग है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ द मदर टिंचर, जो कि ओरिजिनल प्रोसेस होती है मदर टिंचर को बनाने की। ओके, तो हमने क्या किया, जो हमारा पाउडर ड्रग सब्सटेंस जो हमारे पास मिला था, या फिर तो हमारे पास पल्प जो जूस मिला है, उसको प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल, ठीक है, उन दोनों को मिक्स करेंगे अच्छे से, और प्लेस बाय द जेंटल प्रेसिंग ओवर द टो। देन मीन्स कि सपोज कि हमने यहाँ पर टो लगाया है, तो उसके ऊपर हमने जो ड्रग सब्सटेंस और थोड़े अमाउंट का अल्कोहल उसको मिक्स करके इसके ऊपर डाल दिया। सेकेंड थिंग आता है कि टिल अपर पार्ट ऑफ द परकोलेटर, कब तक मतलब कहाँ तक हम उसको भरेंगे, कि अपर पार्ट तक हम भर देंगे उसको। सेकेंड थिंग है अपर सरफेस ऑफ द मास्क कवर विद द डिस्क ऑफ द फिल्टर पेपर, जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है वो फिल्टर पेपर है, यहाँ पर एक चंद्राकार जैसा आकार बना हुआ है, ये क्या है, फिल्टर पेपर। ठीक है, यहाँ पर नीचे ड्रग सब्सटेंस है, ऊपर फिल्टर पेपर है, और फिर उसके ऊपर हम डालेंगे मेंस्ट्रम, राइट। तो पोर प्रिस्क्राइब अमाउंट ऑफ द मेंस्ट्रम मीन्स व्हीकल, जितना भी हमको बताया गया है फार्माकोपिया में, ओवर द मास ऑफ द ड्रग सब्सटेंस एंड क्लोज द माउथ ऑफ द परकोलेटर, ये जो उसका माउथ होता है उसको हमें अच्छे से इसका जो ढक्कन होता है उससे बंद कर देना है। ठीक है, तो ये एक पूरा प्रोसेस हो गया। अब क्या है कि हमें
प्रेस एंड क्लोज द कॉक, मतलब कि ये जो कॉक था जो खुला हुआ था अब हमने उसको अच्छे से बंद कर देना है। आफ्टर द फ्लूइड बिगिन टू ड्रॉप, मतलब कि जब हम सारी चीजें डालेंगे तो ऑफकोर्स सेंट जो हमने टो बनाया है उसके अंदर से थोड़ा सा जो हमारा ड्रग सब्सटेंस है वो निकलेगा, ठीक है। उसके अगर दो चार ड्रॉप निकलते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, कॉक को बंद कर देना है। अब इस सारी चीज़ों को हमें 24 आवर्स तक या फिर तो उससे भी ज़्यादा टाइम तक हमें इसको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि कॉक जो है उसको खोलेंगे और जितना भी लिक्विड है उसको निकलने देंगे, और वो कहाँ पर जाएगा, निकल कर हमारा जो रिसीवर है, रिसीवर वाली जो जार है उसके अंदर आएगा थ्रू रबर ट्यूब, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 10 से 30 बूंदे, 10 से 30 ड्रॉप्स पर मिनट तक निकालना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि कांस्टेंट वॉच, ओके। सो ये जो एक पॉइंट है वो पहले लिखना होता है कि लाइकवाइज कि जब आपने 24 आवर्स तक आपका जो मदर इंजर रखा है तो इन 24 आवर्स तक आपको हमेशा उस जो परकोलेटर है उसको चेक करते रहना है, और अगर आपका जो मेंस्ट्रम है, वेहिकल है, वो कम हो जाता है तो उसे वापस से डालना रहता है, ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग द प्रोसेस। मतलब कि आपको ऐसा नहीं है कि पूरा परकोलेटर आपने हला दिया, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा वेहिकल डालते रहना है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना, और उसके बाद आपने सारा लिक्विड निकाल दिया। अब क्या करेंगे कि आफ्टर द लास्ट ड्रॉप रिसीव इन द रिसीवर अगेन मेंस्ट्रम इज एडेड टू कवर द ड्रग सब्सटेंस। सारी प्रोसेस हो जाती है, हमने 10 से 30 बूंदे पर मिनट तक पूरा जो मदर टिंचर है वो निकाल लिया है, स्टिल हमें परकोलेटर के अंदर अगर ड्रग सब्सटेंस दिखता है तो हम वो ड्रग सब्सटेंस कवर हो जाए उतना वेहिकल डालेंगे और उसको अगेन 6 आवर्स तक ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद अगेन हम कॉक को खोलेंगे और जितना भी हमारे पास लिक्विड है उसको इकट्ठा कर लेंगे। तो ये जो सारा रिसीवर के अंदर हमें लिक्विड मिलता है उसको हम कहते हैं मदर टिंचर, ठीक है। तो ये थी प्रोसेस पूरी कि आप मदर टिंचर किस तरीके से बनाओगे। अब आता है पॉइंट की पोटेंटाइजेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसका जो पोटेंटाइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ डेसिमल स्केल में होता है। सेकेंड थिंग कि इसका ड्रग पावर क्या है, तो इसका ड्रग पावर है 1/10, ओके। और जो 1/10 का ड्रग पावर होता है उसको हमने ओल्ड मेथड में भी देखा था कि सेंटिसिमल स्केल में इसको हम 1x पोटेंसी कहते हैं। इसके बाद वाली अगर आपको पोटेंसी बनानी है, मतलब कि ये जो मदर नेचर है वो 1 फर्स्ट पोटेंसी होगी, और उसके बाद अगर आपको सेकेंड पोटेंसी बनानी है तो आपको इस मदर नेचर में से एक ड्रॉप लेना है। सपोज मैं बता रही हूँ कि एक ड्रॉप लेना है और उसके अंदर 8 ड्रॉप्स हमें अल्कोहल की डालनी है और अच्छे से हमें स्ट्रोक्स देने हैं तो हमारा बन जाएगा सेकेंड पोटेंसी, और इसी तरीके से दूसरी पोटेंसीज बनानी होती है, ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसेस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द मदर टिंचर इन द परकोलेशन मेथड, ठीक है, एंड उसका पोटेंटाइजेशन। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो इफ यू मेन एनी वीडियो ऑन द स्पेसिफिक टॉपिक देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एज वेल एज यू कैन डीएम मी ऑन माई IG अकाउंट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।